तीन तरह के डिसीजन एवरीबडी मस्ट बी रिमेंबरिंग वाई स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वॉज कॉल्ड एज चिल्ड्रेन कौन सा डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकेंड वॉज कॉल्ड एज वॉट भूल गए क्या सब लोग फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज कॉल्ड एज वॉट डिविडेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कितना पैसा कैपिटल और कितना पैसा डेट आपको लगाना होगा एकदम गलत जवाब दिस इज़ नोन फाइनेंसिंग हाउ मच मनी वुड बी इन टू द बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड एज अ पार्ट ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना पैसा आप कैपिटल असेट में लॉन्ग टर्म लगाएंगे कैपिटल बजटिंग और कितना डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे

शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करें या डिबेंचर्स के थ्रू नोन एज व्हाट फाइनेंसिंग एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दैट इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन डिसीजन इन्वेस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं नाउ वी आर ऑन टू फाइनेंसिंग डिसीजन तो बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन के ये सारे पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए पहला पॉइंट कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस सेकंड इज हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन अदर फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू ऑफ कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ इशू होना चाहिए था उल्टा लिख गया है कंट्रोल कंसिडरेशन एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट दो मिनट लूंगा इन शॉर्ट पहले आपको एक्सप्लेन कर दू फिर एक एक करके सब बताऊंगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई फिनेंसिंग डिसीजन में दो चीजें आती है चिल्ड्रन हाउ मच मनी विल बी टेकन बाय इशू ऑफ शेयर फ्रॉम द मार्केट और हाउ मच मनी वुड बी टेकन बाय इशूइंग बॉट चिल्ड्रन डिचर्स तो इसी के बेसिस पे पॉइंट को हम डिस्टिंग करेंगे तो आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट टाइम पे दे पाएंगे ये बट अगर कैश आने का कोई फिक्स इंटरवल नहीं है जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भाई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो पैसा आ गया कॉन्ट्रैक्टर के पास और नहीं मिला तो नहीं आया तो जब लीन सीजन होगा रिसेशन होगा और मान लीजिए हमको समय पैसे की जरूरत है बट मनी इज नॉट अवेलेबल क्या हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएंगे आंसर बट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कोई कंपलसरी भी नहीं है तो वी शुड इशू वॉटर बट अगर आपका बिजनेस बिजनेस एक रेगुलर रेगुलर है इंटरवल पे पैसे आते ही आते हैं तो यू शुड इशू वॉट डिबेंचर्स डिबेंचर इशू करने में आपका इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होता है बिकॉज इंटरेस्ट देना ही देना है इन प्रॉफिट हो चाहे ना हो इफ यू कैन बेयर दिस बर्डन फ्लोटेशन कॉस्ट बचो शेयर इशू करने पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है डिबेंचर बेचने पर फ्लोटेशन कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट बहुत कम क्योंकि ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है खुद ही खींचे चले आते हैं वाई किस वजह से इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है वॉट इट अगेन है लगभग ज़्यादा ज़्यादा से अगर आपने कर दिए ने मान लीजिए में अपना पैसा पैसा लगाया 89 पैसा का लगा है तो मेजोरिटी कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा पब्लिक के हाथ में और अगर आप कंट्रोल नहीं देना चाहते पब्लिक के हाथ में तो डिबेंचर इशू करिए रिस्क कंपनी के लिए ज्यादा कहां पे है और पब्लिक के लिए शेयर पे आपको डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं नहीं मिल सकता इट अगर कैपिटल मार्केट फेवरेबल है हर एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ आ रहा है लोग धनाधन दन पैसा लगा रहे हैं तो आपकी थोड़ी अगर डिप्रेस की भी कंपनी है तो लोग शेयर खरीद लेंगे इट्स जस्ट लाइक दैट कि ऑनलाइन मार्केट ही है ऑफलाइन है ही नहीं मान लीजिए कोविड आ गया तो आप भी कैसा भी घटिया प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच दीजिए वो इजिली बिक जाएगा बट अगर ऑनलाइन में चीटिंग वगैरह ज्यादा करने लग गए लोग और आपको पता है भाई ऑफलाइन मार्केट इज बेटर तो जब तक आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया नहीं होगा क्या सेल हो पाएगा नो no. आपने देखा होगा फेसबुक पे भी एड आते रहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए एक रुपए दे दीजिए फिर दो सौ रुपए और कहेंगे पांच सौ सत्तर रुपए में आपको लेवाइस का ट्राउजर मिलेगा अब पागल की तरह आपने ऑर्डर तो लगा दिया और वो ई बी कोरियर सर्विस से आपके घर भी आ गया अब पता लगा आपने ट्राउजर मंगवाया था फाइव का लेवाइस का अंदर आपको हैंकी से भी छोटे साइज का हैंकी मिला हुआ है तो अब कोरियर कंपनी तो आपको पैसे देगी नहीं हो तो चला गया तो यहां पे आप कोरियर कंपनी को हड़का सकते हैं अभी मेरे साथ ऐसा केस हो गया था मंगवाया कुछ, कुछ और आया कुछ और और मैं समझ तो गया था पागल बना रहे हैं तो कोरियर कंपनी ने कहा कि सर ये बहुत गड़बड़ ऑर्डर है फेसबुक का मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं मत लीजिए इसको मैंने कहा तुम आए क्यों कैसर ना आता तो भी मेरी कंप्लेन होती तो मैंने कहा मैं आपको ज्ञान दे दू तो कोरियर कंपनी वेरी सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं एफिशियंट इन क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक तो उसने थोड़ा सा पार्सल खोल के दिखाया ऑर्डर की गई थी ब्लू कलर की टी शर्ट और अंदर बच्चों एक हैंकी टाइप कुछ था वॉट इटली तो मैं समझ गया गड़बड़ है तो उसने रिफंड मार दिया रिजेक्ट कर दिया दैट कस्टमर वॉज नॉट अवेलेबल तो ये बात सबको समझ में आ गई तो अगर कैपिटल मार्केट बड़ा फेवरेबल है ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी बेकार कंपनी भी होगी ना तो शेयर बिक जाएगा बट अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा नहीं है लोग शेयर खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे 92 में हुआ था लोग डर गए थे रातों रात शेयर का प्राइस बढ़ता था रातों रात घटता था गैम्बलिंग होती थी गैम्बलिंग कह रहा हूं कॉर्नरिंग होती थी ये क्या होता है सर ढेर सारे ब्रोकर के साथ सेटिंग करके भाई कल सुबह प्राइस बढ़ाना है तो बड़ा बड़ा के स्टॉक मार्केट में ऑर्डर लगाते थे वो लोग अब बच्चे कहेंगे सर अब ऐसा नहीं हो सकता नहीं अब सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस लगाकर किसी भी शेयर पे ऑर्डर लगाएंगे बाय और सेल का सिस्टम अपने आप उसको रिजेक्ट कर देगा जस्ट लाइक दैट का कनेक्शन लिया मोहल्ले में एक्स वाई जेड अंकल जी ने और ए सी चला रहे हैं पोस्ट पेड कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं लग रहा ट्रांसफॉर्मर उड़े जा रहा है हर हफ्ते अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए जब भी ओवरलोड होगा अपने आप मीटर ट्रिप कर जाएगा इज दैट क्लियर तो सर्किट ब्रेकर लग गया स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर पे अब आप रैमपेंट प्राइस बढ़ा के ऑर्डर नहीं लगा सकते तो अगर कैपिटल मार्केट के हाल चल अच्छे नहीं है बचो क्या पब्लिक शेयर खरीदने में इच्छुक होगी नो तो आपको कैसे पैसा लेना चाहिए डिपेंचर बर्थडे तो है बट मम्मी के मौसा जी के ससुर साहब के दादाजी की डेथ हो गई थी मम्मी के मौसा जी के ससुर साहब के दादाजी सर कौन सी छठी सातवीं जनरेशन थी क्या अब क्या आप घर में बर्थडे पार्टी का प्लान बना पाएंगे <laughs> चलिए कुछ गिरे हुए टाइप के लोग कह रहे बिल्कुल बट भाई स्टेट ऑफ फैमिली इस समय बहुत हैप्पी नहीं है मम्मी के मौसा जी के दादा जी के ससुर साहब समझ में क्या करेंगे आप तो विलियम जोन्स पिज्जा में जाके टू फोर्टी थ्री रूपीज में सबको अनलिमिटेड आप खिला सकते हैं समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई बात चलिए तो अब एक एक करके इन पॉइंट्स का ज्ञान लेते हैं बच्चों अगर कैश फ्लो स्टेबल है सर वो आ रहा है में अरे वाला स्टेबल नहीं आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं आप नॉर्मल गार्मेंट का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं रेगुलर पैसा आ रहा है जिन कंट्रीज को आप सामान बेचते हैं वहां पे कनाडा जैसे वो क्या नाम है डस्टबिन ट्रूडो वॉट इट क्लियर जस्टिन की डस्टबिन जो भी है उस तरह के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है रिलेशन काफी अच्छे हैं कॉर्डियल रिलेशन है और पैसा लगातार आ रहा है तो यू कैन प्लान टू इशू डिबेंचर्स एंड पैसा लगातार आपके रेवेन्यू का आई रहा है प्रॉफिट आई रहा है तो आप लोगों को इंटरेस्ट पे कर पाएंगे बट अगर कैश इनफ्लो रेगुलर नहीं है तो क्या इशू करें मार्केट में शेयर्स पैसा होगा तो डिविडेंड देंगे नहीं होगा तो कोई लीगल कंपल्जन नहीं है आपको देना ही देना है रिपीट इन प्रॉफिट हो चाहे ना हो या लॉस भी हो जाए तो अगर आप हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कर सकते हैं दे दो डिबेंचर दे देना इंटरेस्ट नो प्रॉब्लम बट अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट ही बड़ा मार्जिनल टाइप का होता है दो तीन परसेंट के प्रॉफिट पर ही आप बिजनेस कर रहे हैं साल भर में सौ करोड़ का सामान बेचते हैं तो तीन करोड़ कमाते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हम पब्लिक से डिबेंचर रेस करें कितने रुपए के दस करोड़ के और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे पब्लिक को एट परसेंट तो बच्चों दस करोड़ का एट परसेंट टर्न टू बी हाउ मच एटी लैक्स सौ करोड़ का टर्नओवर जरूर है बट आपका जो प्रॉफिट है ओनली कितना 3%, तो सौ करोड़ का तीन प्रतिशत कितना होता है बच्चों तीन करोड़ में अस्सी लाख ,00 तो इंटरेस्ट ही चला गया आपका अस्सी लाख इंटरेस्ट तो यू कैन से रफली तीस पैंतीस परसेंट या अट्ठाइस परसेंट के आसपास तो आपने अपनी कमाई डिबेंचर होल्डर्स को ही बांट दी तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स लो हैं तो यू शुड अवॉइड रेजिंग मनी थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स किसके थ्रू पैसा लेना चाहिए शेयर्स के थ्रू समझा क्या प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड देंगे नहीं होगा तो जय माता दी अगर घर का साइज बहुत बड़ा नहीं है तो क्या आपको माता की चौकी घर में करानी चाहिए गेस्ट हाउस ले लीजिए समझ में आ गया पक्का फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर्स इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट इज वेरी 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 हाई ऐसा क्यों सर बार बार एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि आपकी नीड ज्यादा है पब्लिक की नीड नहीं है हर इन्वेस्टर क्या चाहता है भाई मेरे को इनकम मिले और वो फिक्स इनकम कहां पे मिलेगी चलन डिवेंचर अब मान लीजिए आपने दो कंपनीज का एड देखा एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड ये आईपीओ लेके आते हैं वॉट इट क्लियर और ये वाई लिमिटेड सो so कॉल्ड इश्यू करना चाहते हैं डिबेंचर्स तो सर ये भी आईपीओ हो गया डेफिनेटली ट्रू बट ये अपने आईपीओ में क्या बेचेंगे डिबेंचर्स गोट इट क्लियर अब इनके शेयर की जो मार्केट वैल्यू आपको मिलेगी लगभग एक हजार रुपए और डिबेंचर्स की भी जो बाजार में कल को वैल्यू होगी वो एक हजार रुपए आपको एक हजार में खरीदना पड़ेगा डिबेंचर पे देर इज फिक्सड इंटरेस्ट प्रोमिस्ड बाय कंपनी हाउ मच एक इस पे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट तो नहीं है बट ये अपने ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं कि भाई हम ग्यारह प्रतिशत आपको दे सकते हैं बट गारंटी नहीं।, नहीं।, नहीं है क्या तीन के लिए आप रिस्क लेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं यहां आठ परसेंट गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा बट यहां कोई गारंटी नहीं ग्यारह का हो सकता है एक भी हो जाए हो सकता है दो हो जाए तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चुलबुल पांडे टाइप हैं, यू कैन बाय शेयर क्ट इट क्लियर तो कंपनी को लग रहा है कि भाई शेयर इशू करने में कम से कम दस बार तो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा फुल पेज का दस दस करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट ऑल इंडिया लेवल पे सौ करोड़ तो मेरा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाएगा डे बेंचर के लिए अगर दो एडवर्टाइजमेंट भी दे, दे देंगे ना तो उतना पैसा इजिली आ जाएगा तो व्हाट द कंपनी वुड बी डूइंग अगर झेल सकते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट हाई यू शुड इशू शेयर्स क्योंकि आगे फायदा होगा ना आपको और अगर नहीं झेल सकते हाई फ्लोटेशन कॉस्ट तो यू शुड इशू इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको लगता है नहीं मेरा दिमाग बहुत तेज है मेरे अंदर बहुत बढ़िया आइडिया है तो मेरे बिजनेस कर लो अगर रिस्क ले सकते हो तो और अगर मक्खी सिंह पांडे हो चुलबुल पांडे नहीं हो तो चुप्पे चाप चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कोई ठीक ठाक नौकरी पकड़ लो समझ में आई बात कि नहीं नहीं समझ में आई बात समझ में आई बात पड़ोसी दीपावली में दस हजार के पटाखे लाया था और आपको लगा कि मेरे को सो जीतना है बट आपके पापा ने समझाया बेटा दस हजार रुपए पटाखे में मत लगाओ पटाखे दो हजार के ले आओ आठ हजार रुपए का म्यूचुअल फंड खरीद लेना आपने काम तो यही किया बट पड़ोसी बहुत ढेर सारे पटाखे जा किचन किचन गए किचिन के अंदर एक सिलेंडर निकाला तो इतना भयंकर धमाका हुआ दो चार घरों में दिवाली की संभावना ही खत्म हो गई गया कैसी बेवकूफी आपको करनी चाहिए नो तो इसीलिए कहता हूँ ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है सुंदर पिचाई जीनियस थे हैं भी बट अगेन उनको लगा कि अगर मैं गूगल में नौकरी कर लेता हूं तो सात आठ सौ हजार करोड़ रुपए करके हजार करोड़ कमाना मेरे बस की बात नहीं है तो बिना चौधरी पंथी दिखाते हुए सो वो जॉब में घुस गए समझ में आया समझ में आया पक्का चलिए एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल अगर नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल बाहरी ताकतों का हो छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए मान लीजिए कंपनी है एस जी टी लिमिटेड एस जी डोंकी लिमिटेड क्या करते हैं लोग गधों के लिए पट्टे बनाते हैं समझ में आ गया इसके सीईओ हैं मिस्टर एस पांडे जी समझ में आ गया और बाकी जिनकी हंसी ज्यादा निकल रही है क्लास में इन सबको चपरासी की नौकरी दे दी जाएगी खोपड़े में बात गई अब इस कंपनी ने हजार करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल रखा हुआ है एटीन परसेंट मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स और बाकी का एट्टी टू परसेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक खोपड़े में बात कही चलन नाउ दे नीड एडिशनल टू थाउजेंड करोड़ ये किस लिए विदेश में गधों को पकड़कर उनको ट्रेनिंग देनी है तो दो हजार करोड़ और चाहिए आर शेयर्स इशू करें या डिबेंचर इशू करें दे नो कि अगर दो हजार करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर दिए और पब्लिक ने खरीद लिए तो टोटल तीन हजार करोड़ में एक सौ करोड़ रुपए प्रमोटर्स का होगा चलन और बाकी का असर कैसे आपने ये कैलकुलेट किया ये दो हजार करोड़ जो है ये तो पूरा का पूरा पब्लिक लगा रही है आपका सिर्फ एक हजार करोड़ में अठारह परसेंट लगा वर्क टू बी हाउ मच वन एटी करोड़ तो दो हजार करोड़ ये और आठ सौ बीस करोड़ ये टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड़ रुपए किसका लगा हुआ है पब्लिक का तो ये पब्लिक का परसेंटेज कितना हुआ और अपना परसेंटेज कितना हुआ लेट्स कैलकुलेट वन एट्टी अपॉन थ्री थाउजेंड करोड़ आपने पैसा लगाया मात्र 6 परसेंट और पब्लिक ने कितना लगाया नाइन्टी फोर परसेंट कल को एनुअल जनरल मीटिंग से पहले वोटिंग होती है या मीटिंग के बाद वोटिंग होती है और कुछ लोगों ने आपस में बातचीत कर ली आउट ऑफ दिस पब्लिक एंड एटीन परसेंट वोट मेरे को दे दिए हु वुड बी द नेक्स्ट प्रमोटर और डोमिनेंट पर्सन ऑफ दिस कंपनी वन इन फेवर मैक्सिमम वोट गोट कास्टेड मैक्सिमम वोट मेरे को मिले अठारह परसेंट तो मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो जिस बेचारे प्रमोटर ने एक सौ अस्सी करोड़ रुपए लगा के कंपनी बनाई थी बाकी पैसा आठ सौ बीस करोड़ रुपए पब्लिक से लिया था क्या उसका कोई कंट्रोल होगा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया पब्लिक के हाथ में चला गया तो अगर आप डायल्यूट करना चाहते हैं कंट्रोल गो फॉर वॉट शेयर और अगर कंट्रोल नहीं डाइल्यूट करना चाहते हैं तो यू शुड बट अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल था तब उतना डाइल्यूशन नहीं था तो फर्स्ट टाइम तो आप शेयर इश्यू करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई पच्चीस तीस परसेंट पैसा तो आपका अपना ही लगा है ना इतना कोई थोड़ा भारी लगा देगा लॉजिक अंडरस्टूड बट कभी कभी ऐसा सो कॉल धांधेबाजी होती है मान लीजिए नाइनटी फोर परसेंट शेयर पब्लिक के हैं अब टाटा इंफोसिस और विप्रो के अजीम प्रेम जी तीनों लोग मिल जाएं और मिलकर अठारह प्रतिशत शेयर आपकी कंपनी के खरीद लें विल यू बी द डॉमिनेट प्रोमोटर एनिंग नॉट एट ऑल आपकी कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो इशू शेयर नहीं चाहते कि ऐसा हो तो यू शुड इशू डिबेंचर्स समझे कि नहीं समझे हाँ तो सर एक काम ये ना करे नाइनटी परसेंट पैसा हम लगाएं अगर नाइनटी परसेंट पैसा आप लगाएंगे ना तो पब्लिक का पैसा बहुत कम लगा होगा। जब पब्लिक का पैसा बच्चों बहुत कम लगा होगा तो शेयर की स्टॉक ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम होगी नहीं समझे बात को नहीं समझे आपके दादाजी ने लेटर से बहुत बड़ा घर बनवाया ब्रिटिश एरा में और टू हंड्रेड एकर्स टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी दो सौ एकड़ और घर एक्चुअली दो एकड़ में ही बना था बाकी तो पूरा फार्म हाउस टाइप बना था अब भाई कमर्शलाइजेशन का जमाना आ गया और आप आज भी इसी घर में रहते हैं तो अगर आप इतने बड़े फार्म हाउस को एक में कन्वर्ट कर दें तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि नहीं तो दादाजी के टाइम पर नहीं तो, तो भाई वो रहने के लिए इस्तेमाल करते थे बट आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है तो यू शुड कीप इट एट अ हाउस और यू शुड सेट असाइड एंड क्रिएट मैक्सिमम पार्ट एज अ रिजॉर्ट चिल्ड्रन खोपड़े में बात गई तो अगर नाइन्टी परसेंट पैसा प्रमोटर्स खुद लगाएं पब्लिक का सिर्फ दस परसेंट लगाएं तो स्टॉक जब पब्लिक के पास होगा नहीं तो उसकी ट्रेडिंग भी ज्यादा नहीं होगी जब उसकी ट्रेडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होगी तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं तो आपका जो पैसा लगा है वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा अंडरस्ट दिस समझ के 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 में आ गया चलिए एक्सटेंट ऑफ रिस्क डेट के केस में डिबेंचर के केस में रिस्क ज्यादा है कैसे सर रिस्क ज्यादा है भाई इसलिए ज्यादा है कि आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है प्रॉफिट कम होगा तब भी इंटरेस्ट देना है लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट देना है बट शेयर्स के केस में ऐसा कुछ है नॉट एट ऑल कैपिटल मार्केट में बड़ा बूम है हर कंपनी का शेयर बिक रहा है तो आपका भी बिक जाएगा बट अगर कैपिटल मार्केट में लोग डरे हुए हैं हर्षद मेहता स्कैम हुआ नाइनटी टू में फिर दो हजार एक में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में केतन पारिक जी ने कांड कर दिया था ऐसा चलता ही रहता है तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि भाई ये बड़ी रिस्की चीज है हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे खोपड़े में बात गई अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हैं चार लोग ई बाइक चला रहे थे और चार में से तीन ई बाइक में आग लग गई आपका बिहेवियर क्या होगा मैं पैदल ही चला जाऊंगा मेरे को तो बाइक पे भी नॉर्मल या भरोसा नहीं है ऐसा होता है तो अगर मार्केट फेवरेबल है एवरी कंपनीज आईपीओ इज बीइंग सब्सक्राइब आपका भी शेयर बिकेगा नो प्रॉब्लम बट अगर आईपीओज फ्रॉड निकल रहे हैं फर्जी टाइप के निकल रहे हैं कंपनी लोगों से पैसा लेके भाग जा रही है बिजनेस ही नहीं कर रही है क्या आप रिस्क लेंगे आईपीओ में शेयर इन्वेस्ट करने में नो no. आप किस में इन्वेस्ट करेंगे में. नहीं समझे बात को मार्च एंड में बच्चों कोई नई मूवी रिलीज होती है अप्रैल फर्स्ट वीक में कोई नई मूवी रिलीज होती है क्यों नहीं होती क्या फेस्टिव सीजन के अलावा जनरली मूवीज रिलीज होती है बहुत सुपर डुपर फेस्टिव सीजन में ही रिलीज होती है क्यों पीपल हैव द विलिंगनेस टू स्पेंड मनी तो भाई वो मूवी देखने में पैसा खर्च करेंगे मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट बिजनेसमैन इज बिजी क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों का एडमिशन होता है अप्रैल में वहां इतना ज्यादा खर्चा होता है तो क्या लोग टूर प्लान वगैरह बनाते हैं बिल्कुल नहीं बनाते हैं सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी किस महीने में बिकती है बच्चों पता है आपको सबसे ज्यादा इंश्योरेंस इंडिया जैसी कंट्री में किस महीने में बिकती है पता आपको? है आपको जनवरी फेबर मार्च के महीने में क्यों टैक्स सेविंग प्लान करते हैं लोग अप्रैल में क्या इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस होता है नहीं होता तो कंपनीज को भी माहौल देखना पड़ता है कि अगर कैपिटल मार्केट फेवरेबल है तो चलो आईपीओ से पैसा लेते हैं और फेवरेबल नहीं है तो डिबेंचर्स नहीं समझे बात को पक्का बहुत ज्यादा बारिश का सीजन है क्या भैया की शादी की प्लानिंग करेंगे पता लगा दुल्हन दुल्हन रेनकोट पहन के आ रहे हैं सारे बाराती रेनकोट पहन के आ रहे हैं चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों कॉपी में तीसरा एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टाइटल कमाई में से कितना पैसा शेयर होल्डर्स को देना है तो पहला डिसीजन कौन सा था बच्चों हमारा पहला डिसीजन कौन सा था इन्वेस्टमेंट कितना पैसा कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म आसेट्स में लगेगा और कितना पैसा डे टू डे रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल में दूसरा डिसीजन था ये पैसा आएगा कहां से शेयर्स के फॉर्म में या डिबेंचर्स के फॉर्म में और तीसरा जब बिजनेस करके अपनी कमाई लोगों के साथ बांटेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट दे दिया शेयर होल्डर्स को क्या देंगे बच्चों डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर को जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में बिजनेस फाइनेंस उतना बढ़िया समझ में आएगा सो डिविडेंड की यहाँ पे दो स्टोरीज हैं कितना डिविडेंड देंगे और कैसे देंगे कैसे मतलब यू कैन पे मनी यू कैन गिव योर प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट हापी का फायदा है पैसा नहीं जाएगा सामान बिक जाएगा कम से कम आप गिफ्ट वाउचर्स भी दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिलायंस जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू बच्चों मान लीजिए सौ रुपए है और कंपनी ने बहत्तर परसेंट का डिविडेंड अनाउंस किया हाउ मच तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा सेवेंटी टू रुपीज का और अगर आपकी मम्मी के पास सौ शेयर है वट इज दिल बी गेटिंग सेवेंटी टू हंड्रेड तो रिलायंस वाले हो सकता है सेवेंटी टू हंड्रेड रुपीज कैश दे दे बच्चों हो सकता है सेवेंटी टू हंड्रेड के गिफ्ट वाउचेस दे दे आपको हो सकता है सेवेंटी टू हंड्रेड के कुछ पांच छह प्रोडक्ट आपको बता दें आप उनमें से चूज कर लीजिए या हो सकता है वो आपको बोले जियो का रिचार्ज कर लो इतने का तो अल्टीमेटली एडवांटेज आपका भी है और उनका भी है सो प्लीज पुट दिस इन योर वेरी क्विकली रिचार्ज करवाएंगे नहीं जरूरी नहीं अब जिसको कैश ही होगा कैश भी लेगा तो डिपेंड करता है कॉपी फास्ट सो डिविडेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंट चिल्ड्रन फ्रॉम करंट ईयर अर्निंग्स और अगर आपकी करंट ईयर अर्निंग्स शॉर्ट है तो आप डिविडेंट कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व में से गॉट इट क्लियर सो जितना ज्यादा रिजर्व होगा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी तो ये दो प्रश्न आप लिख लें कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया टैक्स पे करने के बाद और कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं इवन कंपनी अर्निंग लेस मनी बट इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्व they solely depend upon current year ऑफ children. तो depends upon reserves as well. और आपकी नॉलेज के लिए आपको एक चीज भी बताता हूं जिस ईयर में कंपनी के profits बहुत ज्यादा होते हैं कंपनी dividend तो बैठेगी बैठेगी. उस ईयर में कंपनी कुछ पैसा अलग से रख लेती है बच्चों. एक स्पेशल अकाउंट में एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज डिडेंट इक्वलाइजेशन फंड आई रिपीट चलन नेम ऑफ द अकाउंट इज वॉट डिविडेंट इक्वलाइजेशन फंड हमने एक फंड बनाया उसमें हर साल प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा रखते जाएंगे क्लियर और अगर किसी ईयर में शॉर्टेज पड़ जाती है प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड देने के लिए यहां से इस गुल्लक से हम पैसा निकाल लेंगे प्लीज अपडेट दिस क्विकली बच्चों सबको ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड की कहानी समझ सामने आ गई

नहीं बांट सकते कंपनीज जितना ज्यादा शेयर इश्यू करेंगी उनकी डिविडेंड पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बच्चों की कम होगी आंसर ज्यादा होगी स्टॉक मार्केट का रिएक्शन अगर फेवरेबल है तो आप कहेंगे चलो ठीक है ज्यादा डिविडेंड बांट के शेयर होल्डर्स को खुश करो वेन दे विल फील हैप्पी अगले आईपीओ में हमारा शेयर खरीद लेंगे वो लोग गवर्नमेंट कह रही है कि भाई डिविडेंड इनकम पे टैक्स एग्जेम रहेगा तो शेयर होल्डर्स के लिए ये इनकम बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है चिल्ड्रन बेनिफिशियल उनको टैक्स देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को पता है कि भाई डिविडेंड तो कितना भी ज्यादा कितना भी कम मिल सकता है बट डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स है तो इफ शेयर होल्डर्स प्रेफर फिक्स इनकम वो ज्यादा डिविडेंड नहीं चाहेंगे तो हमटेंगे भी नहीं बट इफ दे डू नॉट प्रेफर इनकम दे आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड ओनली तो हमें डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा अगर हमने पिछले दस साल में एवरेज फेस वैल्यू का थर्टी परसेंट डिविडेंट दिया है तो शेयर होल्डर्स इस साल भी क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे बच्चों थर्टी परसेंट क्लियर बट कॉन्ट्रेक्चुअल है अगर आपने डिबेंचर इशू किया है मार्केट में तो फर्स्ट प्रायोरिटी चिल्ड्रेन इज टू तो गिव इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स और गिव डिविडेंट टू द शेयर होल्डर्स पहले आपको इंटरेस्ट उनको देना है तो अगर इंटरेस्ट देने में ज्यादा प्रॉफिट खप गया तो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन विल गो डाउन अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं दे विल डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड एंड इन्वेस्ट मोर मनी फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम नजर आ रही हैं तो विल डिस्ट्रीब्यूट हाई डिविडेंड कैश फ्लो रेगुलर है तो डिविडेंड we'll तो दे सकते हैं इरेग्युलर है तो डिविडेंड नहीं दे सकते अर्निंग्स आर स्टेबल वी कैन डिस्ट्रीब्यूट गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड अर्निंग्स आर नॉट स्टेबल बड़ा बूम एंड रिसेशन चलता है बिजनेस में तो आप अच्छा डिविडेंड नहीं दे पाएंगे समझ में आगे कहानी तो सारे पॉइंट्स लिख लीजिए चला अगले लेक्चर में इसको कवरअप करके फिनिश करेंगे